तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 14 से 21 तक। भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्य परामर्श देने योग्य हैं। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निसंकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच यीशु मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्रहिया हो जाएं। इसलिए मैं यीशु मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूँ। मैं केवल उन बातों की चर्चा का साहस करूँगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इलुरिकुस तथा मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया। इसमें मैंने एक बात का पूरा पूरा ध्यान रखा, मैंने कभी वहां सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जहां मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण नहीं करना चाहता था, बल्कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा करना चाहता था जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था वह उसके दर्शन करेंगे और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना वे समझेंगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य, प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इसराइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य, प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य, प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य, अलेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। अनुवाक्य, अलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो।
क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं कर सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।